नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जो एनसीईआरटी 6 क्लास की है, जो ज्योग्राफी की है, उसकी समरी देखेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। जो लोग प्रेफर करते हैं कि जो 6 से लेके नहीं 10th 11th तक एनसीईआरटी ज्योग्राफी की है उनको करना चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको 6 क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी जो है उसका समरी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं कि आपने जो चंद्र, पूर्ण चंद्र लगभग एक महीने के एक बार देखने को मिलता है, एक महीने में एक बार देखने को मिलता है आपको पूर्ण चंद्र, तो उसे जो बोलते हैं उसे पूर्णिमा बोलते हैं। जो चंद्रमा वाली रात होती है और उसके 15 दिन के बाद देख ये चंद्र जो पूर्ण चंद्र होता है तो वो नहीं देखा जाता, तो उसे बोलते हैं फिर अमावस्या की रात या चंद्रमा की रात, नए चंद्रमा की रात या अमावस्या। ओके, सूर्य और चंद्रमा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। सूर्य हुए, चंद्रमा हुए, तारे हुए, जो जो भी सब जो चमकती वस्तुएं हैं तो उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड आकार में बड़े होते हैं और जो गर्म रहते हैं, ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा प्रकाश होती है और कुछों के पास अपनी ऊष्मा प्रकाश नहीं होती, वो दूसरों से चमकते हैं, जैसे कि चंद्रमा हुआ। और अगली बात करते हैं, तो जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ओके, खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। तो जो तारे रहते हैं, तारों का खुद का प्रकाश होता है, सूर्य भी एक उनमें से, सूर्य एक तारा है जो अपने सौर मंडल में, जिसका केंद्र बिंदु जो है ना वो सूर्य है सौर मंडल का। ओके, अगली बात करते हैं, तो अर्सा मेजर और बिग बियर ये दो नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बी है। अगली बात करते हैं, तो उत्तर तारा को ध्रुव तारा कहते हैं। तो उत्तर तारा जो होता है ना वो हमेशा उत्तर में रहता है, जिससे आप पहले पहले जब दिशाओं का ज्ञान देखते थे तो वो इसी तारे के थ्रू देखते थे कि ये हमेशा उत्तर में रहता है, और उस हिसाब से उनको आइडिया लगाता था कि कौन सी दिशा, कौन सा पूर्व है, कौन सा पश्चिम है। तो आप ये ध्यान रख रहे हैं कि उत्तर तारा जो होता है ना, जो ध्रुव तारा भी कहते हैं इसे, और ये हमेशा अपने एक ही स्थान पर रहता है जो उत्तर में रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारा की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि का मतलब यह, तारे जो रहते हैं ना वो एक दिशाओं में रहते हैं, 7 तारे, तो उस हिसाब से जो उत्तर में रहता है एक पूरा देख के नहीं, तो उससे आइडिया लगा सकते हैं दिशाओं के बारे में। अगला देखें, तो कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कुछ खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें प्रकाश नहीं होता, वे तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ओके, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट जो है ना वो ग्रीक भाषा का प्लेटाइन से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक होता है, मतलब परिभ्रमक मतलब जो घूमते हैं। ओके, जैसे चंद्रमा हुआ, एक उपग्रह है चंद्रमा ये। अगला देखते हैं, तो अब बात करते हैं सौर मंडल की। तो सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का रहता है। तो इसमें जो सन जो रहता है ना, सबका केंद्र बिंदु रहता है, बाकी जो ग्रह रहते हैं उसके चक्कर लगाते हैं। कोई अब पृथ्वी ये है, पहले जो मरकरी रहता है, फिर शुक्र वीनस जो रहता है, फिर अर्थ रहता है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये मून है, चंद्रमा यहाँ पे, तो पृथ्वी का उपग्रह जो है ना वो चंद्रमा है। तो इस तरीके से ये पूरा सौर मंडल में आता है। तो सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह और उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड जो टूट गिरता है, से मिलकर सौर मंडल का निर्माण हुआ है, जिसका मुखिया जो रहता है वो सूर्य रहता है। जैसे मैंने बताया, जो केंद्र बिंदु रहता है ना वो सूर्य रहता है, और बाकी सब इसके चक्कर लगाते हैं। सूर्य
पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ग्रह जो है ना अपने सौर मंडल में वो 8 हैं, और सबसे जो सूर्य के पास है वो बुध बुध है, जो 88 दिन में पूरा इसे सूर्य के चक्कर लगाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। जुड़वा ग्रह इसलिए कहते हैं कि वो पृथ्वी के आकार के समान है पूरा, तो इस वजह से उसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र को। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह मानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय के संगठन की बैठक के बाद उन्हें अगस्त 2006 में प्लूटो को ग्रह नहीं माना, उसे ग्रह नहीं माना गया, उसे ग्रहों में से हटा दिया गया था। तो बचे थे 8 ग्रह, पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। तो ये जो है ना अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी 3023 सीरस तथा प्लूनेट, ये दोनों पुरानों बौने ग्रह कह जाते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे ये प्लूटो है, बहुत छोटा ग्रह है, तो इस वजह से इसे हटा दिया गया है। सीरस सीरस और सबसे मैं पास में जो मरकरी है, सबसे जो दूर है जो नेपच्यून है। और क्वेश्चन ये भी पूछ रहा था कि एस्ट्रॉड बेल्ट जो है वो कौन से दो ग्रहों के बीच में, तो जो मार्स और जुपिटर के बीच में है, बृहस्पति और मंगल के बीच में। अगली बात करते हैं तो पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी जो रहता है ना वो सूर्य से तीसरे नंबर का ग्रह है, और ये जो है ना आकार में बात करें तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से प्रकाश की पहुंचने का जो टाइम है तो वो 8 मिनट जो है ना वो समय लगता है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में, और इसे नीला ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर पानी है, जो पानी जो है पृथ्वी का 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, 2/3 सतह। अगली बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा जो है ना वो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जैसे कि मैंने बताया ये चंद्रमा ये यहाँ पे ये देखिए ये मून है और ये अर्थ है, तो यहीं पे ये पास एक उपग्रह है जो चंद्रमा उपग्रह है, और इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, और ये जो है ना वो है 384,400 किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। और सबसे पहले जो दुनिया में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने चंद्रमा पर गए थे, जो 19 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर गए थे। और चंद्रमा जो है ना वो 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगा देता है, 27 दिन में पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अगली बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ये मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसे कि वो जो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ना, तो वहां पे ये क्षुद्र ग्रह जो है ना वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, देख सकते हो। और आकाश गंगा जो रहती है ना, वो आकाश गंगा जो है ना वो सौर मंडल से मिलकर बनी रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो जिसमें पहले पृथ्वी, फिर उसके बाद जो भी है पूरे जो ग्रह हैं उसमें सौर मंडल बनता है पूरे से, उसके बाद आकाश गंगा बनती है, और उस पूरा फिर जो है ना ब्रह्मांड बनता है। तो ये जो है ना ब्रह्मांड का निर्माण होता है आकाश गंगा से मिलकर। 24 घंटे में जो अपनी पृथ्वी रहती है वो 360 डिग्री घूमती है, यानी पूरा एक चक्कर लगा देती है 24 घंटे में, और 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ओके, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो एक मानचित्र की बात करें तो मानचित्र में देखा जाता है तो विषुवत रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट करती है, और इधर जो रहता है ना वो उत्तरी ध्रुव रहता है, उधर दक्षिणी ध्रुव रहता है। भारत में 82 डिग्री 30 सेकेंड पूर्व को मानक साम्योन्तर माना गया है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगली बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जो परिमेय पृथ्वी का परिमेय जो है ना वो 365 दिन 1/4 दिन में सूर्य के पूरे चक्कर लगा देता है,
वैसे वर्ष जो है ना वो 365 मानते हैं, लेकिन वो 6 घंटे जो नहीं जुड़ते तो वो 4 साल बाद के अंतराल के बाद जोड़ दिया जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जून में है ना, जो जून में ये सूर्य है यहाँ पे, तो इस तरीके से देखो उत्तरी ध्रुव तो हमेशा उत्तर में ही रहता है, आप देख सकते हो जी। तो यहाँ पे ये दक्षिणी गोलार्ध है, जो 21 जून कृष मृत्यु, या 22 दिसंबर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो दिन सबसे छोटे होते हैं, और ये मार्च है, तो इस तरीके से। अगली बात करते हैं, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरण कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है 21 जून को। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे 21 जून को सबसे जो दिन रहता है वो बड़ा रहता है, क्योंकि सीधी कर्क रेखा जो है ना वो सीधी पड़ती है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की ओर झुकी होती है, उनके कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरण पड़ती है 21 जून को कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। ओके, तो जो मकर रेखा है वो सॉरी कर्क रेखा जो है ना वो अपने इंडिया को दो बराबर भागों में बांटती है, मकर रेखा जो है ना वो नीचे गई है इंडिया के, इंडिया से होके नहीं जाती है। अगली बात करते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त के सीधी पर पड़ती हैं, यानी सीधा जो इक्वेटर है, इक्वेटर यहाँ पे इक्वेटर है जो, उस पर सीधा रेखा पड़ती है सूर्य की किरण, और इस तरीके से यहाँ पे दिन और रात बराबर होती है, जब इसे विषुव कहा जाता है। इक्वेटर पर जब सूर्य की किरण सीधी पड़ती है तो जो है ना 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है ना दिन और रात बराबर होते हैं। मानचित्र की बात करें तो मानचित्र जो होता है ना, एक तरह का आप देख सकते हैं कि ये एक इमेज रहती है जो आप सीधा चपटी हुई देख सकते हैं, तो जिसमें आप नापते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है ना वो 5 किलोमीटर का, जैसे भी आप डिनोट करते हैं आप ऐसे 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर, तो इस तरीके से मानचित्र से आप देख सकते हैं कौन कहाँ पर है। बाकी अब ग्लोब में जो रहता है ना, ग्लोब की तरह उसमें पूरा दिखाया जाता है, पर एक सतही तरीके से देखा जाए तो मानचित्र से देखते हैं। अगली बात करते हैं भूखंड, तो भूखंड जो रहता है वो जमीन रहती है, आप जमीन जो रहती है पृथ्वी जो जैसे जमीन है तो उसे भूखंड कहते हैं, जो इसमें बहुत सारे पठार वन नदियां हैं, तो ये भूखंड में आ जाते हैं। अब बात करते हैं महाद्वीप, तो महाद्वीप जो है ना वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, तो ये जो है ना वो महाद्वीप हैं, और स्थल का बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो महाद्वीप आप देख सकते हैं, ये देखिए, तो ये जो है ना जो पैसिफिक ओशन है, ये अटार्कटिक ओशन है, यहाँ पर ये बहुत सारी समुद्र तल से जो ऊपर जाते हैं वहाँ पे बहुत सारी बर्फ जमी हो, तो सबसे ज़्यादा जो बर्फीला जो है ना वो अटार्कटिक ओशन है, ये अंटार्कटिका है, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन एक ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पर रखा गया है जो इंडिया के नाम पर है, और यहाँ पर ये पूर्व में पैसिफिक ओशन है, और ये हो ना अंटार्कटिका ओशन, ये आप देख सकते हैं। और एशिया जो है ना वो सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पृथ्वी की कुल क्षेत्रफल का 1/3 है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा। एशिया में इंडिया हुआ, चाइना हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये सब जो है ना वो इंडिया, वो और भी बहुत से देश हैं जो एशिया महाद्वीप में आते हैं, और ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है, यहाँ से कर्क रेखा महाद्वीप से ऊपर गुजरती है एशिया महाद्वीप से, और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है जो यूरोप से अलग करती है। तो यूराल जो पर्वत है यूरोप, तो इन दोनों को यूरोप और एशिया को यूरोशिया भी कहते हैं, इन दोनों को मिला करके, और यूराल पर्वत जो है ना वो यूरोप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है यूरोप, और यह एशिया के पश्चिम में स्थित है, एशिया का जो है ना एशिया जो है ना उसके पश्चिम में स्थित है इस साइड। ओके,
और यह तीन तरफ से जलों से घिरा हुआ है। अगली बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ना अफ्रीका, ये जो है ना विश्व का, पहले तो एशिया आता है ये, तो एशिया यूरोप ये हुआ, यूरोप सबसे छोटा है महाद्वीप और ये अफ्रीका है। तो ये जो है ना दूसरे नंबर का है जो इंडियन ओशन के पश्चिम में है और अंटार्कटिका के पूर्व में है। तो ये जो है ना यहाँ से जो तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मकर रेखा कौन से एशिया से निकलती है। तो देखो मकर जो है ना वो एशिया से नहीं होती, महाद्वीप एशिया महाद्वीप से नहीं होती, निकलती नहीं है, पर जो अफ्रीका है ना वहाँ से होकर गुजरती है। तो यहाँ से कर्क रेखा भी विषुवत जो इक्वेटर है और मकर रेखा, और एशिया महाद्वीप से जो है ना वो कर्क रेखा और इक्वेटर जो है ना वो गुजरता है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्री तथा महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है ना वो अफ्रीका में से होकर गुजरती है, जो नील नदी है। अगली बात करते हैं उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है ना वो तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका जो है ना ये अमेरिका है। तो ये नॉर्थ अमेरिका जो है ना उत्तरी और इस तरीके से यहाँ पे स्थित है ये उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में। अगली बात करते हैं दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए इसे दक्षिण अमेरिका भी बोलते हैं। और विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ना वो एडीज, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। तो विश्व की लंबी श्रृंखला जो है ना वो एडीज है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विश्व में सबसे पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो एडीज है, जो दक्षिण अमेरिका से उत्तर अमेरिका में उत्तर में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है ना वो अमेजन बहती है। अगली बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। अगली बात करते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, जो नीचे की साइड स्थित है, और यहाँ पर हमेशा बर्फ की जो है ना वो परतें से ढका होता है। और भारत की शोध संस्था यहाँ पर है, तो इनके नाम जो है ना वो मैत्री और दक्षिण मैत्री के नाम से जाती है जो शोध संस्था है। ओके, अब बात करते हैं जलमंडल की। तो जलमंडल जो है ना पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी में जो है ना 71% जो जल है और 29% जो है ना वो जमीन है, भूमि है। तो 71% में जो जल है ना वो 97% का जो महासागर जो है ना वहाँ पर जाता है, जो है ना तो जो उपयोग में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि ये बहुत खारा होता है और इसे मनुष्य उपयोग में नहीं ला सकते। अब बात करते हैं महासागर। महासागर में जो चार महासागर हैं, जैसे कि मैंने बताया प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, तो ये जो है ना वो चार महासागर हैं जो बड़े महासागर है। प्रशांत महासागर जो है ना वो सबसे बड़ा महासागर है, पृथ्वी के एक तिहाई भाग को में फैला हुआ है। और पृथ्वी का सबसे गहरा जो भाग है ना प्रशांत महासागर में जो है मरियाना गर्त जो है ना वो प्रशांत महासागर में स्थित है, और प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार का होता है। अगली बात करते हैं तो अंटार्कटिका महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, और ये इसकी जो है अंटार्कटिका महासागर की जो आकृति है वो एस अक्षर के आकार की है। और हिंद महासागर की बात करें तो एक है ऐसा महासागर है जिसका नाम, जैसे कि मैंने बताया था कि इंडिया के नाम पर, भारत के नाम पर रखा गया है, और ये जो है ना वो त्रिभुजाकार है। इसमें इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महासागर, एशिया, अफ्रीका और ये जो है ना मालदीव है। अगली बात करते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल जो है ना वो 1600 किलोमीटर एक वायुमंडल तक फैला हुआ है, और इसकी पांच परतें शोधमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये जो है ना इसके ये मंडल हैं। तो इंग्लिश में बात करें तो जो सबसे पहले जो मंडल वायुमंडल में जो आती है वो
ट्रॉपिस्फीयर आती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मेजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, फिर एक्जोस्फीयर। तो ये जो है ना वायुमंडल में आती हैं। और ट्रोपोस्फीयर जो है ना वो 10 किलोमीटर तक आती है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर जो 50, फिर 80 मी जो स्फीयर आती है, थर्मोस्फीयर तो जो होती है ना वो 640 किलोमीटर रहती है, और लास्ट की जो एक्जोस्फीयर होती है वो 940 तक रहती है, 940 तक किलोमीटर। ओके, तो जो 10 किलोमीटर जिसमें 90% गैस रहती है, ट्रोपोस्फीयर जो रहता है ना उसमें 90% गैस रहती है, जिसमें बादल आते हैं अपने। और इसका जो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो रहता है ना 58 डिग्री सेल्सियस से रहता है। इसका जो कलर जो रहता है ना वो रेड रहता है। अब नेक्स्ट जो लेयर रहती है वो स्ट्रेटोस्फीयर रहती है। तो इसमें जो अपने ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सीधा जो अपने जो हवाई जहाज होते हैं, बलून हुए, तो ये कौन सी लेयर में चलते हैं, तो ये जो है ना वो स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में चलती हैं। और जिसका जो टेम्परेचर रहता है ना वो 4 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो बहुत ही कम रहता है। और ये यहाँ पे जो यहाँ पे इस लेयर में जो है यूवी अल्ट्रा वाटर जो किरण रहती है ना, तो यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है जो ओजोन लेयर है। ओके, तो ये जो है ना, फिर उसके बाद फिर घटता है, फिर -90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है मीजोस्फीयर में, फिर बढ़ता जाता है। तो जो थर्मोस्फीयर हो जो रहता है ना वो सबसे गर्म रहता है, जहाँ से एक्सरे हुए, अल्ट्रावायलेट हुए, तो जो आयनोस्फीयर इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसे जो थर्मोस्फीयर को जो लेयर रहती है ना उसे आयनोस्फीयर लेयर भी बोलते हैं, जिसका जो टेम्परेचर रहता है ना 1480 सेंटीग्रेड रहता है। अब जो अपनी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, जो सैटेलाइट जो रहती है ना वो कौन से लेयर में रहती है, जो सैटेलाइट जो रहती है ना वो अपने एग्जोस्फेयर लेयर में रहती हैं। ओके, एग्जोस्फेयर लेयर में रहती हैं, और जो है ना वो 300 डिग्री सेल्सियस से 1650 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। तो अपने वायुमंडल और 21% जो रहते हैं ना गैस रहती है, और बाकी जो 1% जो रहती है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन जो अन्य गैसें रहती हैं। वायुमंडल का घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है, जैसे कि ऊपर जाने पर घट जाता है। तो वायुमंडल जो रहता है ना वो समुद्री तल ये मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व रहेगा, लेकिन अब दूसरे जाएंगे ना तो वहाँ पे कम होता जाएगा। जैसे कि पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे वायु का घनत्व कम होने के कारण वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है। अगली बात करते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। तो ये जो है ना तीन पर्वतों की बात करें तो तीन रहते हैं, जिसमें बलद पर्वत, ब्रह्मसोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो बलद पर्वत जो रहते हैं ना वो हिमालय हुए, अल्पास हुए, तो ये जो है ना बलद पर्वत मानते हैं, जिनकी सतह ना उबड़ खाबड़ रहती है कुछ इस तरह की। ओके, और जो है ना उसका शिखर जो है ना वो शंकुकार रहता है, जो बलद पर्वत में आते हैं। भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। जो अरावली श्रेणी है जो ना जो राजस्थान साइड आती है चंबल नदी के पार, तो ये जो है ना बलद पर्वत श्रृंखला में जो अरावली श्रेणी है वो सबसे पुरानी है। और उत्तरी अमेरिका में अल्पेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत जो है ना गोलाकार दिखाई देते हैं। यूराल जो है ना वो एक जो उत्तरी अमेरिका में है, जो रूस के यूराल पर्वत में दिखाई देता है। और जब ये बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तो उससे बनते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं, तो इन्हें बोलते हैं, जब ये पर्वत टूट जाते हैं तो उन्हें ब्रह्मसोत पर्वत का निर्माण होता है टूटने के कारण। अगली बात करते हैं, अफ्रीका का माउंटेन किलीमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वत हैं। तो जो ज्वालामुखी पर्वत जो रहते हैं ना, जो ज्वालामुखी से बनते हैं, तो इसमें जो रहते हैं वो अफ्रीका में जो है ना किलीमंजारो पर्वत है, किलीमंजारो माउंटेन है, और जापान में जो है ना फ्यूजियामा, जो एक ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है इनका। अब बात करते हैं पठार की। तो पठार जो होते हैं
जो दक्कन पठार जो पुरानी पठारों में से एक है भारत में जो है ना, और तिब्बत का जो पठार है ना विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत में, जिसकी ऊंचाई जो है ना समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर तक है। अफ्रीका का पठार सोना और हीरे के खनन के लिए जाना जाता है अफ्रीका, और जो विश्व में प्रसिद्ध है। और भारत में छोटा नागपुर पठार जो है ना, वहाँ पर कोयला मैग्नीज बहुत बड़े भंडार हैं। तो जो छोटा नागपुर पठार है जो अपने इधर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो छोटा नागपुर पठार है जी, इस साइड आता है यहाँ पे, फिर रांची प्लाटू छत्तीसगढ़ प्लेन ये सब जो है ना, ये छत्तीसगढ़ प्लेन में डेक्कन पठार जो है ना, फिर जो एक पुराना पठार है जो महाराष्ट्र हुआ, तो इस साइड आता है मालवा का प्लेटू, ये मालवा इस क्षेत्र में, जो मालवा क्षेत्र है जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जो चंबल नदी, तो ये जो है ना अपने इंडिया के प्लेटू है। इधर जो सेवन सिस्टर में मेघालय शिलोंग में प्लेटू है। तो इस तरीके से ये छोटा नागपुर पठार जो है ना, जो कोयला और लोहा मैंगनीज के लिए बहुत बड़े भंडार हैं यहाँ पे। तो अपने इंडिया में जो है ना, वो छोटा नागपुर पठार में सबसे ज्यादा लोहा कोयला मैंगनीज पाया जाता है। अगली बात करते हैं, भारत का छोटा नागपुर पठार जो है ना स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित होरन हुंडरू जलप्रपात और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। तो आपको ये याद रखना है कि जो छोटा नागपुर पठार में जो है ना हिंडरू जलप्रपात है, वो कर्नाटक में जो है ना जो जोगपुर प्रपात है। और भारत की जलवायु बात करें तो ये जो है ना, भारत की जलवायु जो है ना मानसूनी जलवायु है, जो कई जगह तो जो राजस्थान का जो मरुस्थल क्षेत्र है, जो जमशेदपुर जैसलमेर और बीकानेर जो है ना, वो बहुत गर्म है। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो द्रास और कारगिल जो है ना, वो बहुत ही बर्फीला क्षेत्र है। तो कई जगह तो बहुत सी बारिश हो जाती है, जैसे हुआ जो बीकानेर हुआ, तो यहाँ पे बारिश ही नहीं, वर्षा ही नहीं होती है। और जो मुंबई और कलकत्ता हुए, तो यहाँ पे ये मध्यम जो रहता है ना, वो जलवायु रहती है। सबसे ज़्यादा जो अधिक वर्षा जो होती है अपने विश्व की बात करें तो मौसिन राम जो मेघालय में है, तो वहाँ पे होती है। और राजस्थान में जो वर्षा सबसे कम होती है, वर्षा होती नहीं है, तो वो है जैसलमेर। ओके, अब वनस्पति की बात करें तो वनस्पति में जो अपने सदाबहार वनों में आते हैं, तो वन जो है ना वो 5 प्रकार के होते हैं भारत में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ में मैक्रोन वन, तो ये सब जो है ना वनस्पति में आती हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो जो होती है ना, वो अधिक वर्षा के कारण घने होते हैं। और पतझड़ वाले होते हैं जो वर्षा मानसूनी वन भी कहा जाता है ना, तो ये थोड़ी कम वर्षा के कारण होते हैं। और कटीले वन जो हैं, तो कम पानी में जो कांटे निकलते हैं ना, वो कम पानी की वजह से उनमें उन्हें कटीला झाड़ियाँ भी कहा जाता है। पर्वतीय वन जो समुद्री तल से ऊंचाई के कारण होते हैं, तो आपने जो ट्री देखे होंगे बहुत से, जो क्रिसमस के ट्री होते हैं जो नुकीले रहते हैं शंकु आकार कुछ इस तरह के, तो ये जो है ना पर्वतीय वनस्पति में आ जाते हैं। मैग्रोन वन जो है ना, वो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में रहते हैं। मैग्रोन वन जो है ना, वो खारा पानी रहता है, वहाँ पे भी उग जाते हैं सुंदरवन डेल्टा में। तो ये थी जो 6th क्लास की ज्योग्राफी NCERT थी, जिसकी मैंने समरी बनाई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये जो है ना आपके जितने भी एग्जाम हैं, SSC MPPSC CGL बाकी और भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट में, तो उसमें काम आ सकती है जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।